हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल, नमस्कार। मैं दोस्तों आपका चंपी सिंह स्वागत करता हूँ सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए यार। यस, दिन शनिवार का है, मैं हो गया रेडी, एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ी दिया होगी मैं कहाँ जा रहा हूँ। यस, बिल्कुल ठीक पढ़ा आप लोगों ने कि मैं शिमला, मशोरबा, सोलन की ट्रिप पे जा रहा हूँ विद माय फ्रेंड, जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है मनीष। और सडन प्लान बना और जाने का, लेकिन हाँ प्लान ऑन है और मनीष मेरा वेट कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो बाकी बातें सारी बातें जितनी हम सब बाइक पे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और उससे मिलते हैं, लेट्स गो। सतनाम श्री भाई। तो मनीष मेरा वेट कर रहा है सराय टोल पे, और मौसम आज का ठीक है, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमें ऊपर ठंड मिलने वाली है शिमला में। वैसे टेम्परेचर चेक किया था तो नियर अबाउट 4-3 का चल रहा है। ठंड तो होगी लेकिन इतनी ठंड नहीं होगी। आई होप ट्रिप बढ़िया हो और मज़ा आए, तो काफ़ी सारे नज़ारे ज़रूर दिखाऊंगा आपको मैं। ऑल गुड, तैयारी फुल है, तैयारी फुल है, चलो भाई। सही है, चलो ठीक है, फिर आओ भाई आओ। चलो ठीक है भाई, चलो ऑल द बेस्ट भाई। चलो फाइनली मनीष भी मुझे मिल चुका है, तो हमारा ऑफिशियल ट्रिप स्टार्ट हो चुका है टूवर्ड्स शिमला। और आई होप ट्रिप अच्छा हो और इन्जॉय करें, और आप लोगों को भी काफ़ी सारे चीज़ें हम दिखा सकें जो चीज़ें हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी फिर आपको सारी बातें बाइक पे करते जाएंगे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। बाकी हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मेरी जितने भी सारी अपडेट्स हैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और सारी लाइव अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करता हूँ। तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग काफ़ी लोग प्यार दे रहे हो अपना, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर रहे हो, वीडियो को देख भी रहे हो। लेकिन एक छोटी सी शिकायत अभी भी मेरी है लोगों से कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, और वीडियोस तो देखते हैं, ठीक है, व्यूज़ भी आता ही है वीडियो पे, लाइक भी करते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो प्लीज़ सर, इट्स अ रिक्वेस्ट छोटी सी कि यार अपने भाई को, अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और आपके एक छोटे से लाइक से, एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ऐसा मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, और मैं और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा आने वाले टाइम में। अगर कोई भी शिमला वाला बंदा अपना है और शोरबा की तरफ या सोलन की तरफ कोई रहने वाला है, तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करता है, कर सकता है कि हमें और कौन सी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं, एनी टाइम कर सकते हो। मनीष भाई को फ्यूल अप करवाना है तो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 15 किलोमीटर पर जाके हमें फ्यूल स्टेशन मिला है। भाई की डिमांड है इंडियन ऑयल पे डलवाने की। चलो भाई, यार धो धागे ना अच्छी लगती, वॉश करके काफ़ी अच्छी लगती है भाई की, यार धागे से देख लेते हो गया। चल भागो की लाइन लाइन अड्डा आ चुका है। मैंने लास्ट टाइम मैं जब पंजाब गया था तो मैं इसी में रुका था, मतलब मैंने यहीं पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था। बहुत अच्छा एम्बियंस है और खाना भी अच्छा है, पार्टी भी अच्छी है, और अल्टीमेट चाय बहुत बढ़िया आती है। बाकी आज यहाँ रुकने का प्लान कुछ नहीं है, क्योंकि अपने मनीष भाई कह रहे हैं कि मामा का ढाबा रुकना है, ठीक है, मामा के ढाबा में रुकते। मामा ढाबा आ चुका, शिव ढाबा देख ही लिया होगा अपने बोर्ड, शिवा मामा ढाबा, अपना फर्स्ट 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 चाय ब्रेक यहीं पे ही होगा। यहीं पे बाइक पार्क कर देते हैं अपनी। तो गाइस, अपना पहला टी ब्रेक शिव ढाबा पे ही है, और लेकिन ये शिव ढाबा हापुर वाला नहीं है, ये है आपका बुरथल वाला। और मैं शिवा ढाबा पे ऑलरेडी पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन वो हापुर वाला था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे वो आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ग्रुप राइड किया था, बहुत सारे लोग थे उसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो हाँ, पहला चाय ब्रेक है, चाय देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या खाते हैं यार। चलो
तो गाइस फर्स्ट ब्रेक हो गया अपना ख़त्म, ठीक है। शिवा ढाबा पे अपने परांठे वांठे खाए, बहुत जबरदस्त परांठे थे एज यूजल, क्वालिटी ऑलवेज बेस्ट। और मैंने तो कॉफ़ी पी थी तो नींद भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद नींद थोड़ी खुल गई है और थोड़ा सा बंदा फ्रेशन अप भी थोड़ा फील कर रहा है। मैं भी थोड़ा सा कहते हैं लेजी फील कर रहा था, लेकिन मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के आया था, लेकिन हाँ उसका असर अभी थोड़ी देर तक ही होता है, लेकिन हाँ बढ़िया सी एक कॉफ़ी पी है मैंने तो मज़ा आ गया। बाकी अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा अम्बाला रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो अम्बाला के बाद फिर चंडीगढ़ शायद रुकेंगे, चंडीगढ़ के बाद फिर सोलन, और सोलन के बाद शिमला, फिर फागू जाएंगे, फिर आके देखते हैं। यहाँ पर मनीष भाई चले भाई, चलो भाई, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ये अपना अमरिक सुखदेव ढाबा, जैसे जैसे कहते हैं कि दिन चढ़ रहा है थोड़ी सी गर्मी हो रही है, लेकिन वाइल्ड राइडिंग अभी भी थोड़ी सी मुझे ठंड लग रही है, तो इसलिए मैंने इनर तो पहन लिया है। और सैटरडे का दिन है और आई गेस ट्रैफिक कम मिलने वाला है, वैसे होता है ट्रैफिक सैटरडे संडे को, वीकेंड होता है तो काफ़ी लोग दिल्ली से टूवर्ड्स चंडीगढ़ या टूवर्ड्स पंजाब जाते हैं। तो मेरा आइडिया ये था कि हम सुबह जल्दी निकले और जितना कवर अप हो सकता है सिटी का जितना भी एरिया है वो हम कवर अप कर सकें, ताकि हम एटलीस्ट जीरकपुर तक पहुँच जाए, क्योंकि जीरकपुर के बाद हमें रोड बिल्कुल साफ मिलने वाले हैं, क्लियर मिलने वाले हैं। तो यही मेरा प्लान था, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकलूँ घर से। तो चलो ठीक है, आगे मिलते हैं फिर भाई। क्या क्या खतरनाक रोड है भाई साहब, क्या ऐसी तैसी हो रही इस फ्लाईओवर की यार, भाई आज से नहीं बहुत टाइम से है, पता नहीं क्यों फ्लाईओवर ठीक नहीं हो पा रहा है। और मेरे को देखते हुए एटलीस्ट मेरे को 6 महीने या 7 महीने हो चुके हैं इस रोड पे आते हुए, तो मेरे को हमेशा जब भी इसी रोड पे कभी भी आया इस फ्लाईओवर पे आया हूँ तो मेरे को ये हमेशा अंडर कंस्ट्रक्ट ही दिखा है। तो भाई थोड़ा सा जब भी ऐसा कोई रोड दिखे या ऐसे फ्लाईओवर दिखे ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके अंदर कहते हैं कि थोड़े से स्क्रैचेस पड़े हों, भैया थोड़ा सा ध्यान से चलाएगा। कुरुक्षेत्र आने वाला है और बहुत बेहतरीन रोड है यहाँ की, और देखते हैं कि कितना माइलस्टोन रहता है अपना। अम्बाला कैंट 97 लुधियाना 211 जाना ही नहीं है, जलंधर 266 जाना ही नहीं है, तो हमें अम्बाला तक जाना ऑलमोस्ट तो नहीं कैसे थे लेकिन हाफ तो हो ही गया, लेकिन चलो बाकी अभी काफ़ी लंबी जर्नी है अपनी। रोड्स अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कंसिडर नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह रोड्स अच्छे हैं अभी, लेकिन ये हाईवे अभी पर बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि इस हाईवे पे ना बहुत ट्रैफिक है क्योंकि बहुत बहुत कॉमन कहते हैं कि ये रोड है। अगर दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब जाना है, या JNK भी जाना है, पठानकोट अमृतसर लुधियाना अगर जाना है, तो बहुत कॉमन रास्ता है लोगों के लिए, तो थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है, तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है साथ साथ, तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको कंस्ट्रक्ट होने में, इस रोड को बनने में। तो जिस दिन बन जाएगा तो आई होप जलंधर लुधियाना और जितने भी अमृतसर है वहाँ जाना थोड़ा और ईजियर हो जाएगा और जल्दी इंसान पहुँच सकता है, लेस कहते ना कि फ्यूल के अंदर पहुँच सकता है। अब मैंने अपने हेलमेट का के सनवाइज़र लगा लिया है और काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है यार वाइज़र लगाने के बाद, ऐसा अदरवाइज ऐसा लगता है आँखों में धूप लग रही है, और जैसे जैसे दिन थोड़ा सा कहते ना कि बढ़ रहा है और सूरज ऊपर आ रहा है तो हल्की हल्की गर्मी भी बढ़ रही है, लेकिन आए हो जब हम थोड़ा पहाड़ों में जाएंगे और थोड़ा हिल्स की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सी ठंडक मिलेगी वहाँ पे, तो देखते क्या होता है। तो गाइस मैं वापस अम्बाला में ना ऑलमोस्ट अम्बाला में पहुँच चुका था, ठीक है। तो अम्बाला से वापस मेरे को ऑलमोस्ट कहते हैं कि 30 किलोमीटर वापस आना पड़ गया मुझे, कि हमारे जो मनीष भाई जी हैं, ठीक है, कहीं बीच में रुके होंगे